श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत वर्ष का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की स्थापना का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। जन्माष्टमी का महत्व इस बात में है कि यह दिन हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सदा धर्म का पालन किया और अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। उनके बाल लीलाओं से लेकर महाभारत में उनके योगदान तक हर पहलू हमारे जीवन के लिए एक शिक्षा है। दही हांडी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। इस खेल में मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और गोविंदा की टोली मानव पिरामिड बनाकर इसे फोड़ने की कोशिश करती है। ये खेल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है। जब वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ते थे। इस खेल से हमें जीवन में टीम वर्क और धैर्य का महत्व सीखने को मिलता है। मरण रहे पार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की महत्व सिखाता है। जन्माष्टमी पर आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण के आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी को इंडिसिएंट दिवस की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।